नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक और आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ भोजपुरी। दोस्तों आज बात करने वाले हैं शिल्पी राज के बारे में। शिल्पी राज कितना बड़ा धोखेबाज है ये बताएंगे, क्योंकि शिल्पी राज ने विवेक पटेल को धोखा दी है। आप सभी को मेरा बात झूठ लग रहा होगा। कुछ ही देर में आपको एक ऐसा वीडियो बताएंगे जिसे देख के आप खुद भी कहेंगे कि हाँ, शिल्पी राज ने विवेक पटेल से शादी की थी। एक कहावत तो आप लोग सुने ही होंगे, क्योंकि दुख के घड़ी में जो साथ देता है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सुख के घड़ी में तो सब साथ देता है, क्योंकि दुख की घड़ी में कोई कोई साथ देता है, लेकिन शिल्पी राज ने तो उसे ही छोड़ दिया जिसने उसे दुख के घड़ी में साथ दिया। ये बात 100% सही है कि विवेक पटेल ने शिल्पी राज से शादी किया था और शिल्पी राज को स्टार बनने में बहुत मदद की थी। लेकिन जब शिल्पी राज स्टार बन गई तो विवेक पटेल को छोड़कर विजय चौहान के साथ रहने लगी। विवेक पटेल के सारे गांव का लोग एक ही बात कर रहा है कि शिल्पी राज और विवेक पटेल ने दोनों शादी किया था और दोनों एक साथ रहते थे, और शिल्पी राज की वजह से ही विवेक पटेल ने अपना दुकान भी बेच दिया, और शिल्पी राज की वजह से ही आज विवेक पटेल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो आइए हम आपको वो वीडियो दिखाएं जिसमें शिल्पी राज के बारे में विवेक पटेल के सारे गांव का लोग क्या बोल रहे हैं एक इंटरव्यू के दौरान। शिल्पी राज, एक मिनट, अगर शिल्पी राज जिस जगह पर गई है वो श्रेय विवेक पटेल का जाता है। विवेक पटेल ही ऐसा इंसान था कि शिल्पी राज को आज वहाँ खड़ा किया है। सही बात। अच्छा, अब काहे छोड़ देली? अब छोड़ दी, जैसे कहावत है ना, कहावत है कि जो छोटे होते हैं जब आगे बढ़ जाते हैं तो नीचे वाले को भूल जाते हैं। बस यही बात है, वो अपना अस्तित्व भूल गई है और कुछ बात नहीं है। अच्छा, इन्हें कुछ विजय चौहान के बारे में रवा कहत रही, तनी आई विशेष तनी तो सकल ने की देखले, खाली सुनले बानी विजय चौहान के। अच्छा, का विजय चौहान कुछ कहले बने का? आ का कहले बने, मतलब देखले बने जब हिसाब किताब शिल्पी राज के बहुत बढ़िया चला था गला, आगे गाना भागे लागल, तब धीरे से सोचले कि खींच ले कि हमरो काम चले लागल। अच्छा, कहीं खींच लेले बने, ई लड़का टूर हो गई। अच्छा, हाँ तब ये कुल भइल बा। विवेक पटेल बेहतरीन लड़का था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, लड़का है, इंसानियत 110% बिजनेस कर रहा था यहाँ। अच्छा साथ मिला शिल्पी राज को, यहाँ तो 200-300 रुपये पे स्टेट शो करती थी जबरदस्ती, वो लड़ाई करके 300 रुपया दिला कर लेके जाता था, स्टेट शो करवाता था, वो अपना पैसा लगा कर अपना पैसा लगवा कर आगे तक वही लेकर गया। आप विवेक पटेल का ही श्रेय जाता है शिल्पी राज पर। आज के डेट में अगर शिल्पी राज कुछ भी हो, दुश्मन हम लोग का नहीं है, वो भी हम लोग के ही गांव का है, ये भी हमारे गांव का है, लेकिन इंसानियत का जो बनता है फर्ज वही हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद जो इंसान भी, आप सभी को और भी वीडियो दिखाएंगे जिसमें शिल्पी राज के घर भी है, दुकान भी है, यहाँ तक कि शिल्पी राज की माँ भी वही बात बोल रही है जो विवेक पटेल बोल रहा था। विवेक पटेल की माँ खुद बोल रही है कि शिल्पी राज मेरा बहू है और वो बाहर जाने के बाद मेरे बेटे को छोड़ दी, तो अब हम सब क्या करें। आइए आप सभी को वो वाला भी वीडियो दिखाते हैं जिसमें विवेक पटेल की माँ बोल रही है। मैडम, सबसे पहले तो प्रणाम है, हम आए हैं शिल्पी जी के बारे में जानने के लिए, तो हमको आप ही दिखी एक महिला दुकान में, तो हम जानना चाहते हैं एक महिला की क्या राय है शिल्पी जी को और विवेक जी को लेकर के। आप नहीं बताइएगा, आप नहीं जानती शिल्पी जी को? शिल्पी जानते हैं तो आप चले जाइए उसके पास, हमारे आदमी के पास चले जाइए। अच्छा, वही बोलेंगे आप? बोलिएगा फिर, उसके बाद बोलिएगा। जब बोलिए क्या, शिल्पी जी विवेक से शादी किए, उसे छोड़ के भाग गई। अच्छा, तो आप लोग रोके नहीं कि शिल्पी? हमारे पतो ही लगेंगे वो। अच्छा, हाँ तो बताइए, आप लेकर चले गए बाहर तो भाग गए, तो हम किसी पकड़े कहाँ जाएंगे? तो देख लीजिए, शिल्पी जी की पतो मतलब सास है, सास लगेंगी ना, सास लगेंगी ये शिल्पी जी की। चौकस भारत चैनल वाले एक भाई है जिन्होंने शिल्पी राज के पूरे गांव के लोगों का इंटरव्यू लिया, और सभी औरत और पुरुष
सब एक ही बात बोलते थे कि शिल्पी राज ने विवेक पटेल से शादी की है। अभी हम आप सभी को और भी वीडियो दिखाएंगे। हम चौकस भारत चैनल वाले भैया का सारा वीडियो आप सभी को नहीं दिखाएंगे, बस हम उस वीडियो का कुछ कुछ पार्ट दिखाएंगे ताकि मैं अपना बात साबित कर सकूं। अगर आप सभी को पूरा वीडियो देखना है तो उस चैनल पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं कि क्या है शिल्पी राज की सच्चाई। जब आप उस वीडियो को देख लेंगे ना एक बार, आप लोगों को सारा चीज समझ में आ जाएगा कि क्या है सच्चाई। बस शिल्पी राज झूठ मूठ का रोना धोना करती रहती है। अगर विवेक पटेल गलत होता तो विवेक पटेल के सारे गांव का लोग विवेक पटेल को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि शिल्पी राज और विवेक पटेल दोनों एक ही गांव का है। देखिए पटेल सिंगार लिखा हुआ है, कुछ साल पहले ये पटेल मोबाइल हुआ करता था, कम्युनिकेशन हुआ करता था। ये दुकान है, दिखाइए भैया थोड़ा जूम करके, ये दुकान है, ठीक है, ये दुकान है और यहाँ पे पटेल फिल्म्स, ये लिखा हुआ पटेल सिंगार। अभी ये सिंगार का दुकान हो गया, उससे पहले विवेक जी का दुकान था, यही दुकान था जहाँ उन्होंने मोबाइल की शुरुआत की, बेचने की, रिचार्ज की शुरुआत की। यहीं शिल्पी जी आई और शिल्पी जी से मुलाकात हुई, उसके बाद उनको शो में लेके जाने लगे वो। अब आप लोगों ने विवेक पटेल का दुकान भी देख लिया, विवेक पटेल का यही दुकान है जिसे बेचकर शिल्पी राज को स्टार बनाने में लग गए विवेक पटेल, और स्टार बनने के बाद शिल्पी राज ने विवेक पटेल को ही लात मार दी। आइए अभी आप सभी को और भी औरतों का बात सुनाएंगे। अब विवेक शिल्पी जी कहते हैं, विवेक जी कहते हैं कि मेरा शादी हो गया है, शिल्पी जी कहते हैं कोई शादी नहीं हुआ, मेरे मैनेजर थे वो, क्या मामला है? हम इसके बारे में साहब नहीं कह पाएगा, आप सबसे ज्यादा अधिक ही आप। अच्छा, महिलाएं ज्यादा बोलती है महिलाओं के बारे में। हाँ, सही बात है, विवेक और शिल्पी की शादी हुई थी, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बातें लोग कह रहे हैं, और उनके मैनेजर नहीं थे, उनकी शादी हुई थी, बाद में शिल्पी राज ने धोखा देकर विवेक की सिक्के छोड़ दिया। चलिए थोड़ा सा इधर आ जाइए। अच्छा, शिल्पी जी और विवेक जी को जानती हैं? वो तो हमारे गांव के हैं। गांव के हैं, तो क्या मामला क्या है, शादी वादी किए हैं कि नहीं किए, कि झूठा बात? नहीं, सही बात है, सही बात है, सही बात है, गांव की जत हमारा काहे झूठ बोलेंगे। तो शिल्पी जी तो इनकार करती हैं। अब आप झूठ बोल रही है तो उसकी बातें छोड़ो। अच्छा, आप लोग देखिए शादी में शिल्पी जी यहाँ आती रहती थी घर में? हाँ आई थी, पूछ ले जाइए घर पे उसको पूछिए। अच्छा, आप लोग देखिए हैं? हाँ, अच्छा, ये भी बोल रहे हैं, आप देखे हैं शिल्पी जी को घर आते हुए? जरूर देखे हैं, यहाँ भी आते थे उनकी मम्मी। अच्छा, महिलाएं हैं, पुरुष से बाद में बात करेंगे, अभी महिलाएं, महिलाओं के बारे में बात चलेगा। आप देखी हैं आते हुए, बातचीत हुआ है कभी? क्या बातचीत होता था उनके घर में? बात हो चुका था, यहाँ पे आती थी जाती थी, उसकी मम्मी मरी थी, यहाँ पे आई थी। अच्छा, उस टाइम भी आई थी वो? दोपहर में आई थी, फिर चल गई, फिर दस कातर में आई थी, कज एक दिन आई थी। अच्छा, मम्मी उनकी मरल 12 बजे रात में आई थी, वहाँ से पटना से आई थी। अच्छा, पटना से जी, मतलब हमेशा आती रहती थी वो? अच्छा, यहाँ और कुछ लोग आओ, क्यों बोली हो? पुरुष को पकड़ा जाए, महिला से तो बात हो गया है। देखिए देखिए, ये देसी आदमी है, गाय के गोबर चला के। अब सच सच बताई, गौ माता के सेवा का क्या बताई, क्या मामला हमारा का, सच बताई। देखिए वो जैसे विवेक बहुत दिन से उनके साथ रहा है, उनका हर तरीका से। बाबू लोग तनी शांति शांति ना सुने देवा लोग, तो कैसे मामला पता लगी भाई? विवेक हर तरीका से उनका साथ, मतलब मदद कर लें, कोनो तरीका मतलब छोड़ने ना, उनके जहाँ हर स्टूडियो ले जाके उनके फिर वो फेमस कर ला विवेक ही है, वहाँ हर तरह से योगदान विवेक ही की ही बाटे। अब वो आगे चल के बदल गए, फिर उनके साथ रह लें 2-3 साल 5 साल करीब साथ रह लें उनके साथ, फिर उसके बाद उनके पता ना कुछ रीजन भइल का भइल उनके वो छोड़ दिली, तो फिर कहलें हमके शादी के लिए बनी। हालांकि यहाँ भाटवा तिवारी गाँव में आयल बीबाड़ी कोबेर रहल बीबाड़ी कितना दिन, सिंदूर उन्दूर केहू देख ले बाजी? अच्छा, पप झारता तो नहीं खेल कर। अच्छा, ऐसा केहू नहीं देख ले कि सिंदूर लगा के मंगलसूत्र लगा के आई लोग की भाई क्यों जान तम शादी भइल बा कने के बराबर कहत नहीं के आवे लिए जा बराबर आवत रह लिया उनका शादी भइल बा कने के बोली मम्मी उनका मम्मी मोलिया नु तब छोड़ लिया। अच्छा, ओकरा से पहले डेली आवत रह बराबर आवत रह लिया। अच्छा, बियाह शादी क्लास में से भी उनके बाइक पे बैठ के हमेशा जाती थी। तू तो इतना ना छोट छोट बड़ा सन ढेर माल वो क्लास में से मतलब पकड़ी स्कूल में जैसे पढ़ती थी वहां से हमेशा उनके बाइक पे बैठ के जाती थी। अच्छा, हां मतलब स्कूल के टाइम से चलत है सब, ये सब चल रहा है, हम लोग उसी क्लास में पढ़े हैं और उसी क्लास में से वो जाती थी उनके साथ में। चंदनिया में तो सदिया भाई बियाह कर ये हुआ स्कूल टाइम से चल रहा है, बाइक पे घुमा जाता था पटेल साहब के, अब तो आओ क्यों देख ले रहे का बाइक पे घूमत ना रवाना बोला इना रह लिया। दादी जाना तनी शिल्पी के विवेक के ना
घर से ना निकली ला खाली अपने पतो के फिर हम रही ला अरे हमरो पतो ये कहले भी ये बाबू वो कहले भी या हां चली ना देखी एथी पर रेंगिन पर बांध के एथी साड़ी उतर के भाग गेल बिया अरे बाप ई त अलग मामला बा अच्छा उजो चलल जाई चल के देखी ना यहां यू नया नया लड़की कुछ बोलियो के गाना सुनती है भोजपुरी ना सब वीडियो देखने के बाद में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे ऐसा नहीं लगता होगा कि शिल्पी राज ने शादी नहीं की है। चलिए छोड़िए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो शिल्पी राज के कैरेक्टर ही बताता है कि हाँ शिल्पी राज ने क्या की है। अगर आप लोग फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का सारा न्यूज़ सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा।